ऑब्जेक्ट ओ तो एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है कुछ ट्वेल्व सेंटीमीटर ऊपर और हमें बतानी है इसके अंदर एक कंटेनर में लिक्विड फिल कर रखा है वाटर फिल कर रखा है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री है लेंस रखा हुआ है इसके अंदर सबसे नीचे जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू दे रखा है और ये जो सबसे नीचे है ये थी ग्लास से क्लोज है नीचे जो है सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसको बंद कर तीन ग्लास है मतलब यहाँ पे भी लाइट क्या करेगी बाहर जाएगी ठीक है तो तो यहां पे हम देखें तो फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है हमें यहां पे फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है चलो तो कितने इवेंट्स होंगे सबसे पहला इवेंट जो होगा वो होगा ये वाला ठीक है दूसरा होगा इस से गुजरना ठीक है तो सबसे पहला इवेंट तो ये होगा और दूसरा इवेंट होगा इस लेंस को गुजर लेंस से क्रॉस करना जस्ट नंबर टू और तीसरा होगा इस वाटर से वापस एयर में जाना ओके okay. अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाटर इस वाटर और इस एयर के बीच में थिन ग्लास लैब भी है यहाँ ये थिन ग्लास ग्लासैब को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं थिन बहुत थिन बहुत है तो उसके स्लैब पैरेलल स्लैब से क्या होता है शिफ्ट आता है डेल्टा और ये शिफ्ट क्या होगा नेगलिजिबल शिफ्ट हो जाएगा जब ये थिकनेस कैसी है बहुत ही पतली थिकनेस वाला है कम थिकनेस वाला है ठीक है चलो तो तीन इवेंट करने हैं तो सबसे पहले तो इस इवेंट के लिए कौन सा फॉर्मुला लगेगा डी ट्वेल्व हो गया डी म्यू आगे वाला अपॉन म्यू पीछे इंटू डी ओ तो ये कितना बनेगा यहां से आगे वाला लाइट ऐसे जा रही है और पीछे वाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है तो आगे वाला फोर बाई थ्री पीछे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है इस एरो के ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस एरो के आगे और पीछे देखने होते हैं जस्ट और डी ओ कितना है ऑब्जेक्ट यहाँ से सरफेस से कितनी दूरी पे है ट्वेल्व सेंटीमीटर ऊपर तो यहां से हम देखेंगे कि यह आ गया 16 सेंटीमीटर द सरफेस ऑफ वाटर वॉटर वाटर सरफेस तो 16 सेंटीमीटर मतलब यहां इमेज बनेगी पहली चार सेंटीमीटर और ऊपर आई वन. अब बात करें अपन सेकंड इमेज की सेकंड इमेज इमेज जो है वो होगी लेंस अच्छा लेंस की एयर जो है एयर में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वाटर में जो है फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी फोर टाइम्स एयर होती है ठीक है तो ये हो जाएगी फोर्टी सेंटीमीटर हमेशा नहीं होती है टाइम्स एयर तभी होती है जब लेंस uh, लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू हो और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री है तब एयर uh, में जो फोकल लेंथ होती है उसका चार गुना फोर टाइम्स वाटर में होती है ठीक है तो

यहाँ पे भी माइनस 60. फोकल लेंथ इसकी कितनी है 40 तो इनटू 40 तो यहाँ से डिस्टेंस आ रही है 120 सेंटीमीटर अच्छा 120 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इसके यहीं से कितना नीचे 120 सेंटीमीटर नीचे तो यहाँ इमेज बनेगी सेकंड अब फाइनली थर्ड इमेज uh, जो है डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा फिर से म्यू आगे अपॉन म्यू पीछे सेम यही फॉर्मूला म्यू आगे जब एरो लाइट इससे इसमें जा रही है तो इधर वन है इधर कितना है फोर बाई थ्री है वाटर से वापस किस में जाएगी एयर में तो आगे मीडियम वन पीछे फोर बाई थ्री इंटू डी ऑब्जेक्ट कौन होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा i2, जो कि 120 सेंटीमीटर नीचे है ठीक यहाँ से आ जाएगा 90 सेंटीमीटर अच्छा ये किधर होगा जिधर इसका ऑब्जेक्ट है इस इवेंट का ऑब्जेक्ट कौन है i2 ऑब्जेक्ट है ठीक है इसका ऑब्जेक्ट कौन था i1 इसका ऑब्जेक्ट था ठीक तो 90 सेंटीमीटर और ये इमेज किधर बनती है थर्ड इवेंट वाली ये इमेज उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे तो यहां से इमेज कितने नीचे 90 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज दैट इज थर्ड इमेज 90 सेंटीमीटर ठीक है नाइन्टी सेंटीमीटर बिलो कंटेनर या ग्लास तो ये अपना आंसर होगा